सो कैप्टन, सफर की तैयारी कर ली? जी। बिफोर यू स्टार्ट योर जर्नी, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू विल गेट प्रमोटेड वेरी सून। थैंक यू सर। अरे नहीं करण, यू डिजर्व इट। ये सब तुम्हारी बहादुरी का नतीजा है। लुक, यहाँ हर इंसान एक सिपाही है जो जिंदगी जीकर अपने फर्ज को अंजाम देता है, कभी सरहद पर लड़कर तो कभी रिश्तों को निभाकर। एनीवे करण, तुम्हारी 2 महीने की छुट्टियां सैंक्शन हो गई। कर्नल साहब, मैं जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता हूं, वहां कोई मेरा इंतजार कर रहा है। ओके, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, पूरे कर लो अपने अरमान। गुड लक करण। थैंक यू सर। मार डालेंगे मुझे। कौन मारेगा, किसे मार डालेगा? वो कुंडे तो पीछे छूट गए। रिलैक्स। लीजिए, पानी पी लीजिए। कौन हो बेटी, क्या नाम है तुम्हारा? साहिबा। कितना अच्छा नाम है ना। हाँ। कहाँ की रहने वाली हो, कहाँ जाना है आपको? कहाँ की? पालनपुर। फिर तो बच्चे ये सही ट्रेन पकड़ी है तुमने। ये ट्रेन कल सुबह चक्की बैंक पहुंचेगी और वहां से तुम बस पकड़ लेना 5 घंटे में पालनपुर। मैंने कहा जी इसको आराम करने दो बेटी। हाँ। अब तुम आराम करो, सो जाओ। मैंने कहा अनीता जी चलो इन्हें आराम करने दो। इट्स ओके। हाँ? आपका टिकट पालनपुर का और ये मेरा खेमकरण का। थैंक्स। भैया एक चाय देना। अभी ले आ जी। लो जी।
कुछ खाएंगे आप? वो कौन थी जो कल रात आपका पीछा कर रहे थे? हत्यारे थे, मर्डरर्स। What? रात उन्होंने हॉस्टल की एक लड़की को जान से मार दिया। मैंने देखा तुम मेरे पीछे पड़ गए। You're joking. आपने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं लिखवाई? मैं नहीं पड़ती पुलिस के चक्कर में। वैसे मेरी अपनी मुसीबतें बहुत हैं। कैसी मुसीबत? पालनपुर, पालनपुर, चलो भाई बस जा रही है, जल्दी करो, पालनपुर, पालनपुर। हाँ भाई जी, आ जाओ, पालनपुर। आपकी बस। पालनपुर। ओ भाई बैठ जाओ। पालनपुर, आगे भाई, पालनपुर। चलो चलो जल्दी करो, पालनपुर, चलो चलो। Have a nice journey. ओ भाई साहब, आ जाओ। चलो चलो पालनपुर, पालनपुर, पालनपुर। अरे क्या हुआ? ए, कुछ नहीं जी, टायर पंक्चर हो गया, बट ठीक करते हैं, चलते हैं। जल्दी करो भाई। भाई तुम्हारा सामान, अरे तुम्हारा सामान, फेंक दे सामान। देखिए, सुनिए, हेलो, देखिए, हेलो, साहिबा सुनिए, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूं। देखिए, मैं कह रहा था कि अगर आपका इरादा कूदने का है तो मैं आपको इतनी बात बता दूं कि कूदने के बाद यह जरूरी नहीं है कि आदमी मर ही जाए। कभी कभी इंसान अपाहिज हो जाता है, उसके हाथ पैर टूट जाते हैं, उसकी जिंदगी और भी बदतर हो जाती है, इसलिए आप इस तरफ आ जाइए। कम ऑन, कम ऑन, हाथ दीजिए, कम ऑन। छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। देखो, अगर मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया तो मर जाओगी। चलिए। कमाल की लड़की हो भाई, अगर मरने का इतना ही शौक था तो पहले बोलना चाहिए था ना। फिर रात को प्लेटफॉर्म पे गुंडों से नहीं बचा था मैं। अरे वहां तो जिंदगी के लिए लड़ रही थी और यहाँ आत्महत्या कर रही थी। मैं आत्महत्या नहीं कर रही थी, वो तो क्या हाँ, ओलंपिक के लिए डाइविंग प्रैक्टिस कर रही थी या वॉटरफॉल पे खड़ी होके बात करती है? तुम्हारी वजह से मेरी बस छूट गई, पता है? अब दूसरी बस 8 घंटे बाद मिलेगी, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे आगे पीछे मेरा मतलब है, घर बार कोई हो तो बता देना,
ताकि उनसे कह सकूं कि उनकी बेटी शहीद कैसे हुई। देखो रोना नहीं, प्लीज प्लीज लीव मी अलोन, छोड़ दीजिए मुझे। क्यों मेरे पीछे पड़े हो? ये मेरी जिंदगी है, मैं कुछ भी करूं तुम्हें क्या? ओके फाइन फाइन, वैसे है तो सही कोई उलझन? आप जानती हैं आपको रोना क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने कल रात से कुछ खाया नहीं। मेरे कर्नल साहब कहा करते हैं कि भूखे पेट तो फौज भी नहीं लड़ सकती। सो शाबी के समझ नीट, खा पी कर फिर मजे से लड़ेंगे। यह हो सकता है कि उसके बाद आपका लड़ने का मूड ही ना हो और दोस्ती हो जाए। ओ यार, आई एम करण खन्ना, आई मीन कैप्टन करण खन्ना, राजपूताना राइफल्स। I'm Sahiba Agrawal, Sector 17, Mal Road, Palanpur. Lijiye. असल में मुसीबत मैंने खुद ही बुलाई है। क्या जरूरत थी मुझे इनकार करने की? आखिर सभी लड़कियों की शादी होती है ना, मेरी भी हो जाती तो क्या गजब हो जाता। अब लौट के मैं ना कॉलेज जा सकती हूँ और ना अपने घर जा सकती हूँ। मैं मर ही जाती तो अच्छा होता। ए, आप तो सीधे तीसरे पन्ने से 36वें पन्ने पे आ गई। जरा लाइन से बोलिए ताकि हमें भी कुछ समझ में आए। तुम ना समझोगे ना, अब क्या फायदा समझने समझाने का? अब कुछ नहीं होना। बाबूजी तो हाई स्कूल के बाद ही मेरी शादी करना चाहते थे, वो तो बीजी ने उस वक्त बचा लिया। पर ना बीजी, इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। तेरा सिर फिर गया है योगी, ये क्या उम्र है लड़की की शादी करने की? शादी नहीं करेगी तो और क्या करेगी? पढ़ूंगी, कॉलेज जाऊंगी। अब बीजी, मैंने फैसला कर लिया है कि लड़की शहर जाएगी, पढ़ाई करेगी, ऊंची से ऊंची। मैं परिवार की पहली लड़की हूँ जो घर छोड़कर शहर में पढ़ने गई। पहली बार मैंने आजादी को महसूस किया, मनाया। पहली बार जाना कि दुनिया सिर्फ मेरा गांव, मेरा घर, मेरा आंगन नहीं है। जैसे खुला आसमान था और मैं आजाद परिंदे की तरह उसमें उड़ना चाहती थी। इंसान का यही तो एक स्वभाव है, जो चीज उसके पास नहीं होती है उसे वही चाहिए होती है। आप आजाद पंछी की तरह आसमान में उड़ना चाहती हैं और मैं जल्द से जल्द अपने शहर लौटकर पिंजरे में कैद होना चाहता हूं, बिल्कुल उस पंछी की तरह। यानी कि पिंजरा ढूंढ रखा है आपने? हाँ, मेरा प्यार निशा। खैर छोड़िए, आप अपनी बात बताइए। अभी तो उड़ने के लिए मैंने पर फैलाए थे, सेकेंड ईयर एग्जाम्स की तैयारी हो रही थी कि बाबूजी की चिट्ठी आई। उन्होंने अपने दोस्त के बेटे के साथ मेरी शादी पक्की कर दी थी, क्योंकि इतना अच्छा रिश्ता फिर नहीं मिलने वाला था। बस बाबूजी का दोस्त का बेटा है तो हो गया मेरा दूल्हा। मैंने तो उठा के फोन लगा दिया स्वीटी बुआ जी को। ये भी कोई बात हुई? मुझे नहीं करनी थी उससे शादी। ये तो बता कि क्यों नहीं करनी शादी? मुझे बुआ जी, ऐसे थोड़ी ना कोई किसी से शादी कर लेता है, ना जान ना पहचान। पता है मेरी सारी सहेलियों की बॉयफ्रेंड्स हैं,
अच्छी तरह जांचने के बाद ही जिसे ठीक समझेंगी उसे शादी कर लेंगी। हाय मैं मर गई, कहीं तूने उधर कहीं बॉयफ्रेंड शॉयफ्रेंड तो नहीं बना लिया? क्यों, मैं नहीं बना सकती क्या? खबरदार, तेरे बाबूजी को पता चला ना तो कच्चा चबा जाएंगे। तू ऐसा कर, अगली गाड़ी पकड़ के सीधे घर आ जा। ऐसे कैसे लौटाऊं? माय फ्यूचर इज हियर, कुछ समझा करो बुआ जी। कुड़िए, तू मेरा हार्ट अटैक करा के छोड़ेगी? अरे जल्दी बोल बोल, कहीं तूने शादी वादी तो नहीं कर ली? हाँ कर ली तो। बुआ जी आप समझती है मैं ऐसे लुट गए पर बाहर हुआ है ना, तो सही को मुंह दिखाने के काबिल ही रहे। अरे सारी बात शादी कर ली। अरे भाई साहब रुक जाओ, कुछ नहीं होगा। अरे शगुन बाबू लेके बस जाओ। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ? पता नहीं फोन क्यों काट दिया साहिबा ने। मैंने सोचा चलो फिलहाल तो बला टली, आगे की आगे देखी जाएगी। जिंदगी में पहली बार झूठ बोलना पड़ा मुझे, ऐसा अपमान। अपनी औलाद बुरी निकले तो खबरदार, बच्ची के लिए ऐसा नहीं बोलते पुत्र। जिंदगी भर अब मुंह नहीं देखूंगा उसका, मर चुकी हो मेरे लिए। जी आप मतलब? बोल देता हूँ बीजी, जिस दिन भी वो मेरे सामने पड़ी जान से मार डालूंगा उसे, गोली मार दूंगा उसे। खत्म हो गए मेरे लिए सब रिश्ते, सोचूंगा मेरी कोई औलाद थी ही नहीं। मर गई साहिबा मेरे लिए। बीजी 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 की तबीयत भी गिरी गिरी सी रहने लगी। हंसते खेलते घर में मातम सा छा गया, सब मेरी वजह से। मेरा ख्याल है साहिबा कि तू जल्द से जल्द अपने पति को लेकर घर चलिया, दामाद जी का मुंह देखेंगे तो शायद भाई साहब गुस्सा थूक देंगे, वरना तो क्या अनहोनी कर बैठेंगे कोई नहीं कह सकता, सब रिश्ते खत्म हो जाएंगे। पता नहीं क्यों लग रहा है कि सबके होते हुए भी मैं अपने आप को आज अनाथ महसूस कर रही हूं। जिंदगी ने मेरे लिए सब दरवाजे बंद कर दिए हैं। अपनों के लिए कभी घर के दरवाजे बंद नहीं होते। आप बाबूजी को नहीं जानते। लगता है आप अपने बाबूजी से बहुत डरती हैं। आपको डर नहीं लगता? वेल हम तो फौजी हैं, ये डर का पार तो हम रोज पार करते हैं। सच्ची बात यह है कि ये पहाड़ जितना बड़ा दिखता है उतना होता नहीं है, बस थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत होती है। अब पूछिए कि मैं आपसे ये बात क्यों कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि अब आप घर वापस जाएंगे। हाँ, अपने घर वालों को सारी बात ठीक से समझाओगे, जरूर समझ जाएंगे। बाबूजी को समझाने की हिम्मत मैं कहां से लाऊंगी? चलो मैं चलता हूं आपके साथ, आपको घर तक छोड़ने। ये सब आप मेरे लिए किस नाते कर रहे हैं? ओ, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया आपने। चलो अगर कहूं कि इंसानियत के नाते कर रहा हूं चलेगा? तो चले। हाँ साहिबा दीदी, साहिबा दीदी आ गई अपने पति के साथ। सच्चे पाचा मेरी साहिबा आ गई। आजा मेरी बच्ची। रुक जाओ। जैसे आई है वैसे ही लौट जाओ उल्टे पाओ, वरना जाएगी आज जान से, कह देता हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं भाई साहब? साहिबा पहली बार दामाद जी के साथ आई है और आप इस तरह? मैं नहीं मानता, ना मैं इसे ब्याह मानता हूँ, ना इसे बेटी मानता हूँ और ना ही इसे दामाद मानता हूँ। कह दो बीजी, आज से हर रिश्ता खत्म हो गया इसके साथ, अब इस घर में इसके लिए कोई जगह नहीं है। अच्छा, क्या पानी पर लाठी मार देने से पानी कट के दो में हो जाता है? चल आजा पुत्र आजा। एक कदम आगे बढ़ा के देख तू, ना गोली मार दूं तो यागवेंद्र गरेवाल नाम नहीं मेरा। चला मुझ पर गोली चला, बड़ी मर्दानगी दिखाता है ना। ठीक है
तो पहले मुझ पर गोली चला। आप बीच में मत आइए बीजी। आप नहीं जानते इस लड़की के लिए क्या क्या सपने देखे थे मैंने। नामुराद ने मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर के रख दिया। तो क्या तू इसकी खुशियों और उम्मीदों पर पानी फेर देगा? हो जाएगा इंसाफ। बड़ा आया, होश की दवा कर, जा काम पे जा, वैसे ही देर हो रही है। अरे यहाँ क्या खड़ी हो, जाके आरती का थाल लाओ। कैसा राजकुमार जैसा दूल्हा चुना है मेरी साहिबा ने। योगी सारे संसार में ढूंढेगा तब भी उसे ऐसा नहीं मिलेगा। भाई साहब आपको देर नहीं हो रही है? अंदर आओ, चला। स्वीटी दीदी, कोई कहेगा कि ये अभी ब्याही दुल्हन है? न गले में मंगलसूत्र, न माथे पे बिंदी, न सिंदूर। अरे मोनिका, तू नहीं समझेगी, ये मॉडर्न शादी है। कोर्ट में जाके दस्तखत करो शादी, दस्तखत करो तलाक। वो दिन भी दूर नहीं कि दस्तखत करते ही बच्चे पैदा हो जाएंगे। ओ माय गॉड, रब नु याद ना कर, चल आगे चल। ये अब क्या करिए चाची? चुप कर। वो तो ठीक है किसी ने टोका नहीं, वरना एक नई नवेली दुल्हन, सुना गला सुनी कलाई, अच्छी लगती है क्या? पर मुझे ये सब नहीं भाता। पूरी दुनिया भर की लड़कियां जेवर लादकर खुश होती हैं, और एक तुम हो जो दो चूड़ियां नहीं पहन सकती। You're beautiful, isn't she करण? करण, तुम्हारे भी बहुत उपकार है हम पर जो साहिबा के साथ चले आए, वरना हमें तो लगा था हम साहिबा को खो चुके हैं। अरे ऐसे कैसे खो देंगे? आइए। इतनी खूबसूरत भतीजी खोने के लिए नहीं, पाने के लिए होती है। और वैसे भी अपनी कोई औलाद नहीं, हमने सोचा इसी से काम चला लेते हैं, क्यों? पापा। बेटा, तुम्हारे आने की खुशी में एक लवली लवली हो जाए। लवली लवली मतलब छोटा सा पेन। नो रानी, पहली बार दामाद जी आए हैं, एक लवली लवली हो जाने में क्या हर्ज है? आराम करने दो ना। बाद में लवली लवली हो जाएगा। अच्छा तुम मेरे साथ पियो। अब बोलो, तुम इन्हें समझाने आए थे ना? कोई बात नहीं, मौका मिलते ही सारी गलतफहमियां दूर करूंगा। बहुत प्यार करते हैं तुमसे, यू आर लकी गर्ल। कमजोर लग रही हो। करण, तुम्हारे माता पिता? जी नहीं है। मतलब? अनाथ हो। तो मतलब ये कि ना कोई आगा ना पीछा, ना भूतकाल ना भविष्य। कोई कामकाज करते हो या? जी, फौज में कैप्टन। हमारे इस करोड़ों की जायदाद की इकलौती वारिस हमारी बेटी साहिबा है, ये तो तुम अच्छी तरह जानते होगे। आपने बताया, मालूम हो गया। ये तो क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा है योगी? बिल्कुल सीधी बात कर रहा हूँ बीजी। इस लड़के ने मेरी बेटी को सिर्फ दौलत की खातिर फंसाया है। ऐसी बात नहीं है बीजी, बाबूजी गलत समझ रहे हैं। चुप कर, बड़ी पढ़ लिख कर अकलमंद बनने निकली थी। तेरी 3 साल की कॉलेज की पढ़ाई का यही नतीजा है कि एक आवारा लड़के की चिकनी चोपड़ी बातों में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली? ऐसा कुछ नहीं हुआ बाबूजी, तुम बोलो ना। वो किस मुंह से बोलेगा, उसकी आंखों में तो करोड़ों का सपना झूल रहा है। आप किसी को जाने बिना उसके बारे में बुरा भला कैसे कह सकते हैं? अगर एक लफ्ज भी और बोला तो। यह अचानक दौलत का गुरूर तेरे दिल में कहां से आ गया योगी? ये बेटी की भलाई का ख्याल है बीजी, जो हर बाप के दिल में आना चाहिए। मैं इस लड़के का यह सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगा। भाई साहब, शादी ब्याह कोई रेत पर खींची हुई लकीर तो नहीं कि जब चाहे उसे मिटा दे? पत्थर पे खींची हुई लकीर होगी तो उसे भी मिटा दूंगा। बोल लड़के, अपनी कीमत बोल, बोल। अब बोलता क्यों नहीं? बस करी होगी, तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है मेरी इन आंखों ने। निभाने वाले और होते हैं, छोड़ के जाने वाले और होते हैं। होंगे, पर ये लड़का एक दिन अपना रंग जरूर दिखाएगा, देख लेना। देखने की जरूरत नहीं,
रिश्ते ऊपर वाला खुद बनाकर भेजता है। ये क्या बिना वजह मुसीबत मोल ले ली? सच बता देते और छुट्टी पाते। अरे भाई मौका ही नहीं मिला, तुमने देखा तो सही। इट्स इनफ, तुम आज यहां से चले जाओ। और कल? कल सबको क्या बताओगी? वो तुम्हारा पति कहां गायब हो गया? कल की कल देखी जाएगी, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा मार देंगे तो मार दे। अरे अरे अरे, ये अचानक जान लेने देने की बात कहां से आ गई? देखिए, अभी अभी आपकी बीजी ने हमें कॉम्प्लीमेंट दिया है कि हम साथ निभाने वालों में से हैं, छोड़ के जाने वालों में से नहीं। अरे भाई कहां खींचे लिए जा रही हो? आइए तो सही। क्या है? आज से हम इसी कमरे में सोएंगे। इस कमरे में? अपने कमरे में क्यों नहीं? क्योंकि वो कमरा है ना, वो साहिबा और दामाद जी को दिया गया है। क्या बेहूदगी है, उनके लिए तो हर कमरा बराबर है, फिर मुझे मेरे ही कमरे से बेदखल क्यों किया जा रहा है? अजी, आज उनकी पहली रात है ना हमारे घर में, तो सबसे अच्छा कमरा उन्हें दिया जाएगा। जैसे कि आप कुछ समझते ही नहीं। नहीं, मैं कुछ नहीं समझता और समझना भी नहीं चाहता। पहले वो लड़का मेरे घर में घुसाता है, फिर मेरे कमरे में घुसाता है, यानी ऊंट तंबू के अंदर और तंबू वाला तंबू के बाहर। वाह, बहुत खूब। हाँ ठीक है, पहली रात है, दे दो दे दो। बहारो फूल बरसाओ, तेरा महबूब आया, तेरा महबूब आया। अरे दरवाजे पे खड़े होने से काम नहीं चलेगा, अंदर आइए। पर ये सब पहली रात है ना, चल चल चल। शर्मा रहा है बेचारा, बहुत शर्मिला टाइप का है। होता होता हमारे साथ ही पहली रात ऐसे ही हुआ था। हाँ। कैसी राम सीता की जोड़ी है, किसी की नजर न लगे। लो बेटा, ये शगुन है, आज पहली रात है ना, मना नहीं करते। लो चल कम्मू। जी बाजी, चल आ। वाकई में क्या लवली लवली जोड़ी है, चल बैठ। मैं तेरे को बताता हूँ कि पहली रात को क्या क्या करते हैं। मैं मर गई। ये क्या करो तुम लोग यहाँ पे? प्लीज छोटी मामी, आज पहली रात है तो हम जीजा जी और दीदी के साथ सोएंगे। सनी बॉब देखो, यहाँ से मूव करो, नहीं तो मैं पीटूंगी। चलो 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 चलो, सब चलो चलो। कितना पतला है। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ ना बोलिए, जहाँ पे खटिया मिली वहीं पे हम सो लिए। हम है राही प्यार डार्लिंग, बोतल यहीं ले आओ, आज यहीं बैठेंगे। क्यों? आज पहली रात है भाई। भाई सब ठीक कह रहे हैं, यही महफिल जमेगी, यही हम सब लोग लवली लवली करेंगे। खुला खाएंगे, खुला पिएंगे और खुले पैर फैला के सो जाएंगे। अरे तुम लोग कब समझोगे, ये कब करेंगे आराम और कब करेंगे अपना प्रोग्राम। क्या बात है साली साहब, अरे प्रोग्राम है तो फिर बैठ जाएंगे और लेट जाएंगे। बैठ जाओ बैठ जाओ। ये क्या, शुरू करो प्रोग्राम। जॉनी, आई लव यू, आई लव यू फॉर दिस, आई लव यू, माय प्रोग्राम इज। चलो चलो वाइफ अपना भी। अरे इसको ले जा, चल जा। सॉरी सॉरी सॉरी। अरे तुम भी चले और तुम भी बैठे रहोगे, तुम भी करो अपना प्रोग्राम। चलो उठो, चलो चलो बच्चों, चलो सोने, चलो चलो। कमाल के हैं, पागल है, आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? लाइए, मेहमान हैं आप यहीं पर सोइए। जाने जा तेरा ये हुस्न जवां जवां तेरे लिए। चुवारी वाला तू थे, एक ही सांस में गटक जाना शक्तिया लड़का होगा। हाँ। तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या करी, चल
यहाँ बैठना अपने हीरो के साथ। क्या गुजरेगी इन पर जब कल मैंने बता दूंगा कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता वैसा कुछ है नहीं। कल बात करेंगे। गुड नाइट। साहिबा आंखें शक के तो बड़ी लाल शाल हो रही है। लगता है दामाद जी ठीक से सोए नहीं रात भर। क्यों? वो क्या है बुआ जी, जो आप लोग समझ रहे हैं साहिबा और मेरा रिश्ता ऐसा है नहीं। अरे ऐसा नहीं बोलती बेटी, वो आपके लिए पिता समान है। अगर उन्होंने दो बातें गुस्से में बोल भी दी तो इतने से ही क्या आप रिश्ता नहीं मानेंगे? शेयर कर लेना, चल ना। अरे रे, ओ आओ जी आओ कैप्टन साहब, वेलकम वेलकम वेलकम। आज तो आपके चेहरे पर वही इंटेंसिटी है जो नसीरुद्दीन शाह के चेहरे पर फिल्म वो सात दिन में थी। हाँ ओ जी महाराज, आज लगता है सारी रात सोए नहीं। हाँ करण ही है, शाहरुख से तो आप मिल चुके हैं। वो सामने सचिन तेंदुलकर बैठा हुआ है, उसने कल डबल सेंचुरी मारी है इसलिए डबल बोनस इसको। वो कौन सी पिक्चर थी जिसमें अमरीश पुरी सुबह सुबह सारे कबूतर में दाने बांटता रहता है? कौन सी थी? हाँ दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। लो जी दिल वाले तो दुल्हनिया ले गए, अब क्या है। जी मैं एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ और यहाँ कोई मुझे सीरियसली लेता ही नहीं है। मैं लेता हूँ सीरियसली यार, टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम। हाँ जी मैं, जो आप लोग मुझे समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। ओ आप पाजी के एंग्री मूड को रिएक्ट कर रहे हो यार। पाजी जितना बाहर से गुस्सा दिखाते हैं अंदर से उतना ही प्यार करते हैं यार। पाजी ऐसे ही हैं। वो बात नहीं है। देखिए जो आप समझ रहे हैं मैं वो हूं नहीं। साहिबा और मेरे बीच ऐसा कोई रिश्ता है ही नहीं। ओए यू मीन यू डोंट बिलीव इन ट्रेडिशनल मैरिज? ओ देयर इज वन मोर कपल व्हिच डज नॉट बिलीव इन ट्रेडिशनल मैरिज। ओ सिमरन, ओ सुना तुमने? दे आर लाइक अस, नो पति पत्नी बट जस्ट लाइक लवर्स, लाइक शीरी फरहाद, लाइक शशि पुन्नू, लाइक रोमियो जूलियट। आई नो सिर्फ साथ फेरे लेने से ही पति पत्नी का रिश्ता नहीं बनता, दिल मिलने चाहिए। yes. है ना करण? आप सब गलत समझ रहे हैं। नो प्रॉब्लम, तुम्हारा दिल क्या समझता है दैट्स इंपॉर्टेंट, दुनिया क्या समझती है दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। हु केयर्स? व्हेन आई फर्स्ट टाइम सॉ सिमरन इन टोरंटो, आई थिंक वाज इट इन, अरे मेरी बात तो सुनो यार, वाज इट इन अ बुकशॉप? वो चला गया। एंड नो इट वाज इन अ रेस्टोरेंट। कमाल के लोग हैं, कोई समझता ही नहीं है। क्या हुआ? देखो वो सब जो मुझे समझ रहे हैं वो मैं नहीं हूँ, पर वो सब मुझे वो समझ रहे हैं जो मैं हुई नहीं, और वो है जो समझना नहीं चाहते। आप मुझे समझाओ, मैं समझता हूँ जीजा जी। जीजा जी क्या हुआ कैप्टन, फंस गए ना? ए जल्दी आ जाओ ना, अब और इंतजार नहीं होता हमसे। प्लीज गाइए ना, प्लीज। क्या देख रहे हो? हाँ वहां हजारों बिखरे सितारों के बीच चमकते उस सितारे को। कौन सा? वो ध्रुव तारा। ये तो मेरे शहर से भी दिखाई देता है। अच्छा सुनो, जब मैं इसे अपने शहर से देखूंगा तुम भी इसे यहां से देखना। चलो इसी बहाने कुछ तो रिश्ता बना रहेगा तुम्हारे मेरे बीच में। जा रही हूं बट डोंट वरी, अभी जाके बाबूजी से बात कर लेता हूं और उन्हें सब कुछ ठीक से समझा दूंगा। ओके
क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, सोच रही हूँ दुनिया का दस्तूर भी कितना निराला है, कोई कुछ खोता है तो कोई पाता है। एनीवे, गुड लक कैप्टन। करण, आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड यू। ये क्या मजाक लगाया हुआ है? जब जी में आया मुंह उठाकर चले आए और जब जी में आया वापस चले जाओगे, आखिर तुम समझते क्या हो अपने आप को? लेकिन अभी तो ये चाहते हैं ना कि मैं साहिबा को। मैं क्या चाहता हूँ और क्या नहीं चाहता ये तो मुझे मत समझाओ। बाबूजी, बाबूजी अब अभी भी गलत समझ रहे हैं बाबूजी। क्या गलत समझ रहा हूँ? एक लड़का मेरी बेटी के साथ आता है और कहता है उसका पति है, मेरी बेटी के साथ आकर मेरे घर में रहता है, मेरी बेटी के कमरे में उसके साथ रात गुजारता है और अब कहता है मैं उसे छोड़कर जा रहा हूँ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बोलो आखिर ये है क्या? बोलो सच क्या है, बोलो। बाबूजी अभी क्या करें, प्यार जताने का ये तरीका? यू शट अप। ये क्या बातें आ रही हैं? कौन झगड़ रहा है वहाँ? भाई साहब, पीजी भाई साहब झगड़ रहे दामाद जी के साथ और दामाद जी घर छोड़कर जाने को तैयार हो गए। पीजी भाई गुरु, करण घर छोड़कर क्यों जा रहा है? अरे मियाँ बीवी में कोई छोटी सी बात हुई होगी और भाई साहब है कि बाप का बतंगड़ बना रहे। पीजी करण राजा पुत्र, पूरी बात तो सुन लीजिए। नहीं सुननी मुझे, कोई बात नहीं सुननी, लेकिन तुम कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने यहाँ से जाने की बात भी की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। करण, 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 नहीं, तू घर से ना जा, मेरी साहबा को छोड़कर ना जा पुत्र, वो नादान है, उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। मैं मैं बीजी, 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 क्या हुआ आपको? बीजी, हाथ मत लगा मेरे भाई, आप डॉक्टर को बुलाइए जल्दी। डॉक्टर, घबराने की कोई बात तो नहीं है ना? करण का एहसान मानिए गरेवाल साहब, ठीक वक्त पर सीपीआर देकर उसने बीजी को मौत के मुंह से बचाया है। इट वॉज अ मेजर हार्ट अटैक। अभी भी बीजी की हालत बहुत नाजुक है, पूरी तरह ख्याल रखिएगा कि इन्हें कोई भी सदमा ना पहुंचे, थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। जब तक बीजी ठीक ना हो जाए कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की, समझे? थैंक यू यार। बीजी, करण, 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 बीजी, पुत्र, ना जा, मेरी मेरी साहिबा को। कौन जा रहा है बीजी? नहीं जा रहा हूं मैं, नहीं छोड़ के जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। पापा से आराम कीजिए। हाँ क्या मांगा करण? अपनी रिहाई, तुम्हारी खुशियां पूरी होंगी। सच्चे दिल से मांगी हुई दुआ कभी खाली नहीं जाती। साहिबा साथ में चलना है तो कदम मिला के चलो, वरना पीछे रह जाओगी। मेरी वजह से ना रुको, तुम चलो। तुम्हारी वजह से? अब तो बीजी की वजह से रहना पड़ा, बस बीजी जल्दी से ठीक हो जाए और फिर मैं भी चलूंगा अपनी मंजिल की ओर। अब इंतजार बहुत लंबा होता जा रहा है। किस बात का डर है साहिबा? इस डर को अपने मन से निकाल दो, कभी ना कभी तो सच का सामना करना ही पड़ेगा। ये कैसे बच्चों जैसी जिद कर रही हैं आप?
दवा नहीं खाएंगी तो अच्छी कैसे होंगी? तो अच्छा किसने होना है? मैं चंगी हुई नहीं कि मेरे दामाद ने चले जाना है। ओह बीजी मेरी कसम, दवाई खा लो दवाई। मैं नहीं खा। नहीं बीजी, मैं अपनी कसम दे दूंगी। हाँ। सोच लो बीजी, अगर आपने ये दवाई नहीं खाई तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। दीजिए पानी। चलिए मुंह खोलिए। तेरे हाथ से तो मैं कुछ भी खा लूंगी, ला खिला दे। अरे वाह मम्मी, हम लोगों ने इतना कहा, आपने तो एक नहीं मानी और दामाद जी की तो फौरन सुन ली। ये मेरा दामाद ही नहीं, मेरा बेटा है। After all, he is my buddy, यार। वाह क्या बात है। पुत्र बॉडी वॉश तो करा ले। नहीं मैं साहब जी जी से बॉडी वॉश करवाऊंगा। अरे रे रे रे। तो क्या बात है कर्नल साहब, आज सुबह सुबह नंगे पंगे माँ से पंगा ले रहे हो? अरे देखो दामाद जी, ये पॉटी वॉश नहीं करा रहा, तंग कर रहा है नॉटी बॉय। कोई बात नहीं बॉजी, आज मैं वॉश करा देता हूँ। चलो। मम्मी पानी बहुत ठंडा लग रहा है। क्यों मजा आ रहा है? अभी से प्रैक्टिस कर लो। क्यों साहिबा? पर देख लेना, तुम लोगों के पहले बेटा ही होगा। अरे मुझे तो बेटियां चाहिए, और वो भी एक नहीं, तीन तीन। तीन तीन? Oh my God, so fast! अरे ऐसी कैसे बेटियां होंगी जैसे सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। अच्छा करण एक बात बताओ, तुम्हें बेटियां कैसी चाहिए? मुझे पहली तो बिल्कुल बीजी की तरह मस्ती भरी आंखें, हंसने का अंदाज बिल्कुल फुलझड़ी जैसी। हाँ। फुलझड़ी? और दूसरी फुलझड़ी? दूसरी बिल्कुल माँ और सिमरन जी जैसी। हाँ, शांत फूलों की तरह, जहां से भी गुजरे अपनी खुशबू फैलाए। और तीसरी? तीसरी तो मेरी जान होगी, बिल्कुल मोनिका और स्वीटी बुआ जी जैसी। देखो आपके कपड़े खराब हो गए, जाइए बदल लीजिए। तू यहाँ क्या कर रही है? कपड़े कौन देगा? क्या किया ये बेशरम, इतना बड़ा हो गया? जीजा जी पे सुसु करता है। बच्चे आपसे कितने घुल मिल गए हैं, बहुत तंग करते हैं ना? नहीं तो, इस प्यार का अपना ही मजा है। अच्छा पता है साहिबा, भगवान दिलों के रिश्ते पहले से ही जोड़ लेता है, बस एक दूसरे से मिलने की देर होती है ना? तुम्हें लगता है ये सच है? ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। अच्छा है तुम्हें अपना जीवन साथी तो मिला। डोंट वरी, मैं तुम्हारा भी जीवन साथी खुद ढूंढ ले आऊंगा। वैसे तुमने कभी कहा नहीं है कि तुम्हें कैसा लड़का पसंद है? आई मीन जिसे तुम शादी करना चाहती हो, वो मेरे जैसा लंबा होगा या छोटा? छोटा। छोटा। उसका रंग तो मेरे जैसा होगा ना? नहीं? सांवला? गोरा। गोरा। और उसके बाल? उसके बाल सीधे होंगे या घुंघराले? घुंघराले। सॉरी कैप्टन, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। पर करण, तुमने तो नहीं बताया कि तुम्हें कैसी लड़की पसंद है। मुझे जिसके लंबे घने बाल हो, जिसकी गजरारी आंखों के आईने में सिर्फ मैं नजर आऊं, और उसका दिल बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो। हाँ। कितने दिनों के लिए जा रहे हो? दो चार साल के लिए। मेरा मतलब है दो चार दिन के लिए। साली साहिबा, इससे दो चार दिन आराम तो मिलेगा। कुछ भी इतनी बुरी लगती हो तो मत आना बैग, मेरे भाई लोग मुझे रख लेंगे। मोनिका, जन्म जन्म का साथ है। हाँ करण, जरा मुझे स्टेशन छोड़ दो, ट्रेन का टाइम हो गया। साहिबा जा, तू भी चली जा, वापसी में करण को कंपनी शंपनी हो जाएगी। कबाब में हड्डी, यही रहो। इसका साइज देखा है, कबाब में हड्डा। भाई साहब, ग्रेवाल इंडस्ट्रीज की छतरी तले ये हमारा 22वां कारखाना खुल गया, साहिबा केमिकल्स। बधाई हो। तुम्हें भी,
रौनक, हम जो कुछ भी करते हैं अपने परिवार और बच्चों के लिए ही तो करते हैं। That's right. Excuse me, sir. आओ भंडारी आओ। सर, शुगर मिल्स के आपके शेयर्स का ट्रांसफर डीड मैंने बना दिया है। अच्छा, ट्रांसफर डीड? जी, रौनक जी ने अपने सारे शेयर्स साहिबा बिटिया के नाम कर दिए हैं। रौनक ऐसा, मैंने आज तक शादी का तोहफा नहीं दिया साहिबा को, और फिर जो कुछ मेरा है कल उसी का तो होगा। After all, she is my daughter. मेरी भी तो बेटी है वो। अंकल जी के जाने से उदास हो? हाँ? नहीं तो? अब तो मुझे भी जाना होगा, पीजी भी अच्छी हो गई है। क्या कहती हो? मैं? जो तुम ठीक जानो। Will you miss me? मेरे जाने के बाद मुझे याद तो करोगी ना? याद तो उन्हें करते हैं जिन्हें भुला पाते हैं। मुझे तो तुम्हारी बहुत याद आएगी, तुम्हारी क्या, बीजी की, घर के सभी लोगों की। कभी कभी लगता है कि मैं घर नहीं जा रहा हूँ, बल्कि घर छोड़ के जा रहा हूँ। तो क्यों जा रहे हो, मत ना जाओ। पर जाना तो पड़ेगा। क्यों? वहां निशा मेरा इंतजार कर रही होगी ना साहिबा। ये अचानक मौसम को क्या हो गया? ये कुदरत क्या चाहती है? साहिबा, उधर एक घर है, चलो वहां चलते हैं। तुम भीग रही हो साहिबा। तन की भीगने की इतनी फिक्र है करण, और मेरा मन जो पूरी तरह भीग चुका है वो क्यों तुम्हें दिखाई नहीं देता? बारिश का पानी भी अजीब होता है, छूता है तो ऐसे लगता है किसी ने अंदर चिंगारी लगा दी हो। अरे आप लोग बाहर खड़े भीग क्यों रहे हैं? अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए ना। अरे सुधा, देखो भाई कौन आया है। कोई हिरन का नया जोड़ा आया है क्या? अरे नहीं बाबा, हिरन का जोड़ा नहीं, बल्कि सावन के हमारे पहले मेहमान, एक भीगी सी परी और एक भीगा सा राजकुमार। शी इज माय वाइफ सुधा। नमस्ते। बाय द वे, आई एम प्रणय। करण, साहिबा। हाउ स्वीट। अरे आप तो एकदम से भीग गई, चलिए कपड़े बदल लीजिए कहीं सर्दी ना लग जाए। आइए ना। हाँ प्लीज 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 आइए। प्रणय। हाँ। बाय द वे, इनको भी कपड़ों की जरूरत पड़ेगी ना? अरे हाँ। चलिए प्लीज आइए 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 आइए। बड़ी प्यारी मूर्तियां बनाते हैं आप। थैंक्स। और मेरी वाइफ सुधा अपने प्यार के रंगों से ये तस्वीरें बनाती है। हाउ नाइस। हैव अनदर ड्रिंक, थोड़ी सी गर्मी आ जाएगी। नो थैंक यू। अरे ये आग ही काफी है। कम ऑन यार, कम ऑन। सिर्फ बाहर की आग काफी नहीं है दोस्त, कुछ अंदर की आग का भी इंतजाम करिए, वरना कुछ देर में इस मौसम में आपकी कुल्फी जम जाने वाली है। बस बस बस, अभी बातें ही करते रहोगे या इनको आराम करने का मौका भी दोगे? Why not? इन्हें भी करने देंगे और हम तुम भी करेंगे, क्या कहती हो? किसी चीज की जरूरत हो तो हम साथ वाले कमरे में ही हैं। चलो भी अब। प्लीज।
कितनी अजनबी सी रात है पर है खूबसूरत। कमाल का तूफान आया यहां, कुछ ऐसा ही तूफान मन के भीतर उठता है साहिबा। ऐसे ही कोई बिजली कलेजा काटे डालती है। मत करो ऐसी बातें करण, जबकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम प्यार किसी और। तुमने कुछ कहा? हाँ? ये प्यार भी अजीब नशा होता है साहिबा, जिसके सामने दुनिया का हर नशा फीका लगता है। लोग प्यार को कहां कहां तलाश नहीं करते, पर प्यार प्यार अपने आशिकों को खुद ढूंढ लेता है। हेलो, पहचानिए मुझे, मैं हूं आपका प्यार। प्यार कभी कभी दूर होके भी इतना पास होता है। और कभी पास होके भी कितना दूर कि मन उसे देखने के लिए इतना तरसता है जैसे जैसे तपता रेगिस्तान बारिश की पहली बूंद को तरसता है। कभी बाढ़ की तरह आता है तो सब कुछ बहा ले जाता है, कभी ओस बनकर गिरता है सब डूब जाता है, पर प्यास नहीं बुझती। ऐसा अनोखा होता है प्यार, कभी एक अजीब सी भूख बन जाती है, कभी एक हसीन सा दर्द, कभी ऐसा लगता है जैसे हमने सब कुछ पा लिया और कभी सब खो दिया। खैर छोड़ो, तुम नहीं समझोगी ये बातें, प्यार को प्यार में पड़े बिना समझा नहीं जा सकता। एक हसीन लड़की क्या बात है, उसके घर की खिड़की क्या बात है, बात इतनी आसानी से सब कुछ कह के मन को शांत कर लिया। और यहां इस दिल में ये दिल यही होता है ना जी, तो क्यों जब भी धड़कता है तुम्हारा ही नाम सुनाई देता है, क्यों क्यों जब मैं तुम्हें देखती हूं तो सांसें थम सी जाती है, वक्त रुक सा जाता है, क्यों 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 तुम इतने अच्छे हो कि तुम्हें सिर्फ प्यार करने को जी जाता है, सिर्फ प्यार, क्यों 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 कौन? आई लव यू करण। ऐसी कोई बात नहीं थी करण, वो तो बस सारा दिन भर कुछ खाया नहीं था इसलिए एसिडिटी की वजह से वो स्वीटी बुआ ने सारी बात का पतंगड़ बना दिया। मेरी कुछ समझ में नहीं आता, तुम अभी जाके सबको बता दो कि मेरा तुम्हारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, बस पहचान है, सिर्फ पहचान, सिर्फ पहचान। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ करण, उलझती जा रही हूँ, अब ना कोई मेरी बात पर यकीन करता है और ना तुम्हारा। सॉरी करण, आई एम सॉरी। हाँ क्या तुम्हारा साहिबा, मगर अभी से माफी मत मांगो, क्योंकि आगे चलकर इसी हक का इस्तेमाल करना होगा तुम्हें। करण, जानती हो साहिबा, सूरज के डूबने पर जब कमल की पंखड़ियां बंद हो जाती हैं, तो कभी कभी पराग के रस में खोया हुआ बावरा उन पंखड़ियों में कैद हो जाता है।
हैरत की बात है ना, पवरा जो सख्त से सख्त लकड़ी को काट के फेंक देता है, कमल की कोमल पंखड़ियों को नहीं काट पाता। मैं भी ऐसे रिश्तों में उलझ कर फंस गया हूं, अब इन्हें काटना मेरे बस की बात नहीं है। मुझ जैसे अनाथ को किसी परिवार से इतना प्यार मिलेगा मैं सोच नहीं सकता था। अपनापन सहने की आदत नहीं है ना साहिबा, और अब उसी परिवार के लोगों का दिल तोड़ो, ये बापूत से नहीं होगा। बस इसीलिए एक ही काम रह गया करने के लिए, और उसके बाद तुम जी भर के मुझे कोस लेना, कुछ नहीं बोलूंगा। तुम कहना क्या चाहते हो करण? मैं भगोड़ों की तरह इस घर को छोड़ के भाग रहा हूं। तुम्हारी मुश्किलें हल करने का जो वादा तुमसे किया था, वो वादा मैं आज तोड़ के भाग रहा हूं। कमल की पंखड़ियां अभी भी थोड़ी बहुत खुली हुई हैं, वो भी बंद हो गई, तो क्या करूंगा मैं? बोलो। ठीक कहते हो करण, ठीक कहते हो तुम। आखिर तुम्हारी अपनी जिंदगी भी तो है, कब तक उसे छोड़कर दूसरों की जिंदगी जीते रहोगे तुम? बीजी के कागजात तुम्हारे नाम करती हैं। जिंदगी में जब भी तुम सच का सामना करोगी तो ये खुदा तुम्हारे साथ होगा। रखोगी ना? तो आखिर तुम हमें छोड़कर जा ही रहे हो कैप्टन? हमारे प्यार में कोई कमी रह गई थी क्या? नहीं रौनक पापा, आपके प्यार का कर्ज मैं सारी उम्र नहीं उतार पाऊंगा, लेकिन मेरी भी अपनी कोई मजबूरी है। सॉरी। प्यार से बड़ी मजबूरी क्या हो सकती है? ये भी हो सकता है कि ये मजबूरी प्यार की हो। नहीं कैप्टन, मेरी आंखें इतना धोखा नहीं खा सकती। तुम मुझे ये कहना चाहते हो कि साहिबा से तुम प्यार नहीं करते? जी नहीं, आई मीन उस तरह नहीं। साहिबा और मेरा रिश्ता, साहिबा को तुमने किस हाल में ला छोड़ा है, कभी ये सोचा है तुमने? जी, लेकिन वो पहले से ही जानती है कि मेरी मंजिल कहीं और है। मैं प्यार किसी और से करता हूं। यू आर इन ट्रबल कैप्टन, यू आर इन ट्रबल। जरा गौर से देखो अपने दिल में, क्या है इसमें? टेल मी क्या है इसमें? ऐसा कुछ भी तो नहीं। आर यू श्योर? कम से कम जान के तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अनजाने में पैर फिसल जाए तो क्या चोट नहीं लगती? दुगनी चोट लगती है। Come with me. Today I will tell you something. देखो, मैं इन पंछियों से बहुत प्यार करता हूं। मैंने यहां लाया, पिंजरे में रखा और अपने प्यार के दाने इन्हें डाले।
लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि अगर मैंने प्यार करता हूँ तो मुझे इन्हें पिंजरे में कैद नहीं करना चाहिए। मैंने इन सबको आजाद छोड़ दिया। शाम को सब पंछी वापस अपने अपने पिंजरों में आ गए। आज मुझे लगता है कि जब मैंने इन्हें आजाद छोड़ दिया था तो मुझे इन पिंजरों के दरवाजे बंद कर देने चाहिए थे, ताकि कभी वापस ही नहीं आ सकते, कभी नहीं। इंसान किसी से इतना प्यार करता ही क्यों है यार? Anyway, if you have decided to go, you are free to go. Please go. करण, मुझे छोड़कर मैं जी नहीं पाऊंगी। हाँ, सच देखो देखो, तुम्हारा प्यार मेरी नस नस में दौड़ रहा है। मैं जीना चाहती हूँ, कर सांस लेना चाहती हूँ। बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। जुदाई में देखो क्या हाल हो गया मेरा। बहुत प्यार करती हूँ। जानती है लड़की, तू ये क्या कह रही है? सच। सच? इतना बड़ा धोखा? उसने कोई धोखा नहीं किया है, ना मेरे साथ ना आप लोगों के साथ। धोखा नहीं किया है? धोखा नहीं किया है? अरे आग लगा गया है मेरे घर में और तुम कहती हो धोखा नहीं किया है? अगर दोबारा जिंदगी में वो मेरे सामने आ गया ना, तो जान से मार डालूंगा मैं उसे, जान से मार डालूंगा। आते जाते जो मिलता है तुम सा लगता है। क्या हुआ, कोई सपना देखा? हमसे पूछो तन्हा रहना कैसा लगता है। हम तो पागल। तुम्हारी मंजिल आ गई। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। भाई साहब, वो तेजेश्वर सिंघाल जी आए हैं। अंदर ले आओ उन्हें। जी। ये क्या ठीक होगा कि इतनी जल्दी साहिबा का रिश्ता सिंघाल के बेटे के साथ तय कर दें? अब तक घर की बात घर में है बीजी, इससे पहले कि जगह सही हो। ठीक है ठीक है, जो मर्जी आए करो। कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, बस फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। नमस्ते प्राजी। नमस्ते। कैसे हैं आप? कैसे हो तेजेश्वर? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पैरी पहना बीजी, पैरी पहना। जी अंदर। आप उठिए मत बीजी, उठिए मत, उठिए मत। दौरे पे निकला था, सोचा आपका हालचाल पूछता चलूं। सुना था आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, अब कैसी हैं आप? बस पुत्तर, इस उम्र में तो यूं नरम गरम लगा ही रहता है। एक जिम्मेदारी बची है कि अपने जीते जी साहिबा को रुखसत कर दूं इस घर से। अगर तू हां करे तो। अरे कमाल करती हैं आप बीजी, शुभ काम में देर कैसी। बुलाओ महंत जी को, शादी का मुहूर्त अभी निकाल लेते। हरिओम। हरिओम।
ये बिल्कुल शिव विवाह का योग है। इससे अच्छी तिथि इस पंचांग में ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। मुझे कोई इतराज नहीं है। अरे अभी तो 6 दिन है यार मेरे, मैं तो 3 दिन में बारात ला सकता हूँ। मुझे तुम पर पूरा यकीन है तजेश्वर। मुबारक हो। आज से मेरा बेटा विकी तुम्हारा और तुम्हारी साहिबा बिटिया हमारी। ये लो। अरे गले मिल यार। मुबारक हो, मुबारक हो। ये शगुन कन्या की झोली में डाल दीजिए। जीती रहो बेटी। हाँ ये कपड़े गाड़ी में रख दो। जी मैडम। नमस्ते साहब। निशा। करण? Oh my God! Oh my God! I'm so happy to see you. मुझे यकीन ही नहीं होता तुम वापस आ गए। I can't believe it. याद आती थी मेरी? याद? पता है कितना इंतजार किया तुम्हारा? और पता है कितनी देर कर दी तुमने? It's almost a year. मैं तो जल्दी आ जाता लेकिन अचानक रास्ते में एक लड़की मिल गई। साहिबा। कैप्टन, कोई चक्कर वक्कर तो नहीं हो गया ना उस लड़की के साथ? मुश्किल में थी। जब मैं उसे उसके घर छोड़ने गया तो उसके परिवार वालों ने मुझे उसका पति समझ लिया। तुम जानती नहीं मैं वापस कैसे आया हूँ। साउंड्स इंटरेस्टिंग। यू नो निशा, ऐसा लग रहा था कि मेरे जिंदगी के रास्ते में एक स्पीड ब्रेकर डाल दिया गया है और मुझे कहा जा रहा है देखो उस मोड़ को, तुम्हें वहां मुड़ना है। क्यों, क्या था उस मोड़ पे? उस मोड़ पे मेरा घर था, या यूं कहो कि एक ऐसी जिंदगी जहां कोई मेरा नहीं था पर सब अपने थे। खैर छोड़ो, तुम बताओ वो सैम? ओह सैम शूटिंग पे गया है, शाम तक आ जाएगा। निशा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो ना। एक्सक्यूज मी मैडम, यू आर गेटिंग लेट। बार बार फोन आ रहा है, वहाँ शूटिंग में सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आई एम सो सॉरी, मुझे जाना ही पड़ेगा लेकिन शाम को मिलेंगे। अरे हाँ, आज शाम को पार्टी है और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज। बाय करण। बाय एंड वेलकम बैक। साहिबा, अंधेरे में इंसान पल दो पल के लिए ठहर तो सकता है, आराम कर सकता है, पर जिंदगी जी नहीं सकता। जीना, कैसा जीना? नहीं करते ऐसी बातें। तूने हारी हुई बाजी खेली ही क्यों? उसे प्यार किया ही क्यों? प्यार? प्यार पर किसका बस चलता है? वो तो बस हो जाता है। वो मेरी जिंदगी में तूफान की तरह आया और मैं सूखे पत्ते की तरह उसके साथ होली। बस जिंदगी हादसों से ठहर नहीं जाती, वक्त वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। धीरे धीरे करण की याद तेरे दिल से मिट जाएगी। करण की याद मेरे दिल में यूं बसी है जैसे किसी मंदिर में देवता की मूरत। भला बिना देवता की मंदिर किस काम का? बस कर,
बंद कर दे ये दिल के खिड़की दरवाजे। अब वो नहीं आने वाला। वो आएगा जीजी, मेरा दिल कहता है वो जरूर आएगा। आगे मेरे सामने खड़ा होगा और कहेगा, आई एम कैप्टन करण, राजपूत राइफल रेजिमेंट एन। बन गई तेरी प्रेम दीवानी, ऐसा पाठ पढ़ाए ढाई अक्षर प्रेम के, ढाई अक्षर प्रेम। ये तो अच्छा नहीं कर रहा है। एक्सक्यूज मी, थैंक यू, हियर यू आर। क्या देख रहे हो, खुश हो? तुमने बताया नहीं ये पार्टी इस खुशी में। That buddy is a surprise. Hi. Hi. Actually, you know. Karan. Sameer. Hey, buddy. Welcome home. Back. Once again, we are together, huh? Sam, why are you late? Sorry. Same business. Oh my God. You're looking great. Seriously, I'm zap. Thank you, darling. Love you. I love you so much. अरे क्या हुआ करण? नहीं, कुछ नहीं। जानू तुमने करण को बताया नहीं कि हमारी शादी हो गई है? यही तो सरप्राइज देना चाहती थी। Actually, I was waiting for you, sir. अरे देखते ही रहोगे या मुबारकबाद भी दोगे हमको? Congratulations. Thanks, यार. अरे तू भी किस दिन आया यार? आज तो आया और कल हम लोग जा रहे हैं अमेरिका। एंड यू नो निशा इज द फर्स्ट इंडियन मॉडल टू बी सिलेक्टेड फॉर द फोर्ड एडवर्टाइजिंग एजेंसी। हाय सैम। ओह हाय। ऑल सेट फॉर टुमारो। या ग्रेट अचीवमेंट निशा, कांग्रेट्स। थैंक यू। यहाँ क्यों चले आए करण? क्या हुआ करण, मेरी तरफ देखो। ओह माय गॉड, कहीं तो मुझसे, आई एम सो सॉरी, लेकिन तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि तुम मुझसे प्यार करते हो? मैं तो दोस्ती समझती रही। दोस्त था, दोस्त हूं और हमेशा दोस्त रहूंगा। दोस्ती के नाते मेरी एक बात सुनो, अगर किसी से प्यार करो तो फौरन उसका इजहार कर दो, ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए। हम लड़कियां पेड़ की बेल की तरह होती हैं, जिन्हें सहारे की जरूरत होती है। जहां करीबी सहारा मिला उसे थाम लेती है। मुझे सैम में वही सहारा मिला है, वही सहारा मिला है। मैं हार गया, ऐसा लगता है मैं सब कुछ हार गया। नहीं करण, नहीं, दिस इज नॉट द एंड। तुम्हारे सामने तो तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम जानते हो कुदरत ही हमें रास्ता दिखाती है जिस पर चलकर हम जिंदगी जीते हैं। कहीं कोई खोता है तो कहीं कोई पाता है, यही दुनिया का उसूल है। प्रॉमिस मी करण दैट यू विल मूव ऑन, प्रॉमिस मी। दुनिया का दस्तूर भी कितना निराला है, कोई कुछ खोता है तो कोई पाता है। ये तो मेरे शहर से भी दिखाई देता है। अच्छा सुनो, जब मैं इसे अपने शहर से देखूंगा तुम भी इसे यहां से देखना। चलो इसी बहाने कुछ तो रिश्ता बना रहेगा तुम्हारे मेरे बीच में। प्रभु इन्हें सदैव खुश रखे। आप सभी को मेरा आशीर्वाद है। भगवान आपका कल्याण। आइए मां जी, चलिए।
आइए मान जी, विधि शुरू करें। जी अब लड़का लड़की एक दूसरे को अंगूठी पहने। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। आप सबने अब ये एक नई कहानी बना रही है कि हमारे तेजेश्वर का बेटा विक्की खूनी है। मैंने अपनी आंखों से देखा बीजी। और सारी दुनिया सारा जहान छोड़कर वो सीधा तेरे पास चला आया तुझसे शादी करने के लिए। ऐसी उलझुलूल कहानी पर कौन यकीन करेगा? पर बाजी ऐसी उलझुलूल बातें भी तो इस दुनिया में हो सकती है ना। हो सकता है साहिबा को वो चेहरा। तुम चुप करो रौनक, सीधी सी बात है, ये विक्की से शादी करना नहीं चाहती। हम खा उल्टे सीधे बहाने बना रही है ये। मैं सच कह रही हूं बाबूजी। क्यों नहीं, रास्ते पे चलते किसी आदमी को उठा लाई कि ये मेरा पति है, वो भी सच था। और अब जो पति बनने जा रहा है उसे खूनी करार दे रही है, ये भी सच ही तो है। बीजी मैं अमृत, इस लड़की से पूछ आखिर ये चाहती क्या है, क्यों हमारे खानदान को जलालत के कुएं में ढकेल रही है ये। तू एक काम क्यों नहीं करती, मुझे जहर दे दे, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूं इस शादी को कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं। क्या हो जाता है तुम्हें, वो लाश कहीं भी फेंक फांक के छुट्टी कर देते। वो 5.5 फुट का सबूत रखने की जरूरत ही क्या थी, और इसके ऊपर एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। जिसने तुम्हें खून करते हुए देखा वो यही निकली साहिबा। मुझे लगता है डैड, आई शुड हैव किल्ड हर। उसे भी मार दूं? बेवकूफी की बात मत करो विकी, उस मर्डर केस की फाइल अभी तक बंद नहीं हुई है। हम तो सिर्फ नाम के राय बहादुर हैं, अंदर से बिल्कुल खोखले हो चुके हैं। हमारे लिए साहिबा एक लड़की का नाम नहीं है, बल्कि करोड़ों अरबों की जायदाद की हुंडी का नाम है, जिसे भुना भुना के हमें जिंदगी भर ऐश करनी है। पर किसी दिन साहिबा ने मुंह खोल दिया तो? एक बार तुम्हारे साथ साथ फेरे ले लिए ना, तो तुम्हारी सलामती के लिए करवा चौथ का व्रत रखेगी, मुंह खोलकर तुम्हें फांसी पर नहीं लटकाएगी। बस अब इस विवाह में कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। कैसे हुई तेरी इस घर में दाखिल होने की, मेरे ही घर में आकर मेरे परिवार की इज्जत के साथ खेलते रहे तुम? फायदा उठाया तुमने हमारी शराफत का। मारिए, जितना जी चाहे मारिए, मेरा कसूर ही ऐसा है। कसूर? धोखा दिया है तूने, हमारे भरोसे को तोड़ा है, मजाक उड़ाया है हमारा। इतना बड़ा झूठ तूने सच क्यों नहीं बोला? कोशिश की थी मैंने, किसी ने सुना नहीं। और वो क्या है बाबूजी, मेरा मन भी थोड़ा लालची हो गया था, परिवार कभी देखा नहीं था ना मैंने, इन रिश्तों से अनजान था मैं। अनजाने में पाप हो गया मुझसे भाऊजी, उसी पाप का प्रायश्चित करने आया हूं मैं। तूने वो गुनाह किया है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है, चला जा यहां से वरना। चला जाऊंगा भाऊजी,
बस एक बार साहिबा से मिली। खबरदार, जो उसका नाम अपनी जुबान पर लाया तो उसकी शादी होने वाली है। क्या? हाँ, उसकी शादी होने वाली है। नहीं भाऊजी, ऐसा मत कीजिए भाऊजी, प्लीज ऐसा ना कीजिए भाऊजी। वो साहिबा की दोस्ती थी जो पहली बार मुझे इस घर में ले आई, लेकिन आज मैं आपके सामने खड़ा हूं तो वो सिर्फ साहिबा की मोहब्बत के कारण। सवाल को लगाम देना मैं खराब, वरना मैं जान से मार डालूंगा तुझे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, हट जाओ, प्लीज छोड़ मुझे। चले जाओ करण, इससे पहले कि अनर्थ हो जाए तुम चले जाओ यहाँ से। मेरी बेटी अपने घर जा रही है अपने पति के साथ, तुम बस चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। दोबारा पलट कर इस घर की तरफ देखना भी नहीं, समझे? निकल जाओ यहाँ से। करण भी आया है। ये लड्डू उधर रख दो, जल्दी करो जल्दी। ये क्या? ये शगुन का थाल अभी तक यहीं रखा हुआ है। मैंने रौनक से कहा भी था कि इसे लड़के वालों के यहाँ पहुँचाकर तिलक की रस्म पूरी करके आए, मगर ये रौनक, मैंने तुमसे कहा था कि ये सारी मिठाई वहाँ पहुँचानी है, तो फिर तुम गए क्यों नहीं? आप ये शादी रोक दीजिए भाई साहब। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? टुकड़े करने बेटी के तो एक छुरी लेकर काट डालिए, लेकिन ऐसे टुकड़े मत करिए कि दिल कहीं रह जाए और जिस्म कहीं और चला जाए। रौनक, होश की बात कर, एक बाप के सर पर अपनी जवान बेटी की जिम्मेदारी के मायने क्या हैं? ये तुम नहीं समझ पाओगे, क्योंकि तुम्हारी अपनी कोई औलाद नहीं है। ये तो बहुत गलत बात कह दी आपने भाई साहब। अभी आप क्या कहना चाहते हैं कि साहिबा मेरी बेटी नहीं है? एक बात कहूं मैं आपसे, जितना आपका खून दौड़ रहा है ना उसकी रगों में, उसे कहीं ज्यादा मेरा प्यार दौड़ रहा है। जब पहली बार मैंने उस नन्ही सी जान को अपनी गोद में लिया था तो मुझे लगा अच्छा वो भगवान ने मुझे औलाद नहीं दी, नहीं तो शायद मैं अपने बच्चों को उतना प्यार नहीं कर पाता। साहिबा मेरे सीने से लगकर बड़ी हुई है भाई साहब, जैसे पेड़ के सीने से लगकर बेल बढ़ती है। मैं उसके दिल के हर दर्द हर धड़कन को समझता हूं, और आज उसका दिल सिसक सिसक कर धड़क रहा है और उसका दर्द मुझे यहां महसूस हो रहा है, यहां। अब ये दर्द और बर्दाश्त नहीं होता भाई साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, ये बारात वापस लौटा दीजिए भाई साहब, वापस लौटा दीजिए। मुझे जल्दी से याद दिला दे रौनक कि तू मेरा भाई है, वरना आज मैं तेरी लाश पर पांव रखकर साहिबा की झोली भेजूंगा। रोनी, शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश। बच्चीते जी, यही कुछ देखने को बाकी रह गया था। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मान इज्जत से साहिबा की डोली को रुखसत होने दो, फिर कर लेना मनमानी। बात क्या है रौनक पापा, आप मुझे मंदिर में क्यों लाए? मंदिर में इंसान किससे मिलने आता है, देवता से ही ना। क्या हो गया करण, तुम क्या गए? मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। पता है मेरी शादी किसके साथ की जा रही है? रौनक पापा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम्हारी शादी किसी खूनी कातिल के साथ नहीं होगी। पर बाबूजी को मेरी बात पर यकीन ही नहीं है। देखो भाई साहब, ये शादी करके ही मानेंगे, इसलिए तुम्हारे सामने बस एक ही रास्ता है कि तुम साहिबा को लेकर भाग जाओ अभी इसी वक्त। पर भाग कर जाएंगे कहां? कहीं भी जा सकते हो। भाग कर तो एक रिश्ता बना लेंगे रौनक पापा, लेकिन हमारे पीछे जितने भी रिश्ते टूट जाएंगे उनका क्या? मुझे नहीं लगता कि रिश्ता बनाने का सही तरीका है। सही है या गलत ये मैं नहीं जानता, लेकिन अपने प्रेम की खातिर तुम्हें यह समझौता करना ही पड़ेगा। नहीं रौनक पापा, प्रेम की जिन ढाई अक्षर का गुणगान
हर धर्म में पाया जाता है। हम इसे अपने स्वार्थ के लिए बदनाम नहीं करेंगे। रही बात समझौते की, तो अब ये मेरे लिए धर्म युद्ध है। या जीत होगी या हार, समझौता नहीं होगा। करण, वो है ना साहिबा जिसके दरबार में हम खड़े हैं, उसके होते हुए तुम्हारे साथ कोई अनर्थ नहीं होगा। भरोसा रखो। बिना सहरे के तो तूने बहुत सी शादियां की हैं। ले आज ये सहरा भी पहन ले। ओए सहरे की लड़ियों को पास पास करो, कहीं से चेहरा ना दिखे, समझे? सहरा बदवाएगा तू, तुझे तो मैं फांसी का फंदा पहनाऊंगा। मुझे तेरी जूठन कबूल करनी पड़ रही है सिर्फ उसकी दौलत की खातिर, और फिर उसने मुझे खून करते भी तो देख लिया था। बस मेरे बेटे के साथ फेरे हो जाएं तो साहिबा की जिंदगी का भी किस्सा खत्म हो जाएगा। हरामखोर, तेरे जैसा दोस्त जिसे मिल जाए उसे फिर दुश्मनों की क्या जरूरत है? धोखेबाज, मैं तुझे तेरे पापों की सजा जरूर दूंगा। इतनी भी क्या जल्दी है योगी, पहले विवाह तो हो जाए। तेरे ये नापाक इरादे मैं कभी पूरे नहीं होने दूंगा सिंघाल। बिल्कुल होंगे योगी, अब साहिबा हमारे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। जब तक तुम्हारी जायदाद की इकलौती वारिस हमारी बहू नहीं बनेगी, हमारा उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए हम बहू लेने आए हैं, उसे तो साथ लेकर ही जाएंगे। छोड़ दो मेरे डैड को, वरना मैं इसे गोली मार दूंगा। I said leave him. इस खानदान की इज्जत तेरे हाथ में है, बस इतनी विनती है कि कोई जग हंसाई ना हो। ओ मुबारका जी, मुबारका, साहिबा की शादी की मुबारका। आई एम सॉरी योगी, अपनी बेटी की शादी में तुम खुद शामिल नहीं हो पाओगे। जब तक मैं जिंदा हूं ये शादी हरगिज नहीं होगी। जिंदा रहोगे तब ना। अभी मैं विकी को वही समझा रहा था कि पीछे कभी कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहिए। आज यहां कोई सबूत नहीं रहेगा। जैसे ही वहां लड़का और लड़की का गठबंधन होगा, पहली बड़ी आतिशबाजी के धमाके के साथ मेरे लोग तुम्हारी मिल को आग लगा देंगे। जैसे वहां विधि आगे बढ़ती जाएगी, यहां आग बढ़ती जाएगी। वहां पर अग्नि के गिर्द फेरे होंगे, यहां तुम दोनों के गिर्द अग्नि ही अग्नि होगी। चलो बेटे।
चल साहिबा, अब वक्त आ गया है। के पिताजी को बुलाइए, गठबंधन की रस्म पूरी करनी है। ये भाई साहब, ये कहाँ चले गए? रौनक जी, हाँ आप भी आइए। सब कुछ जल के खत्म हो गया बाबूजी। करण, ये सारी दौलत तो हाथ की मैल है, मेरी असली दौलत तो मेरी बेटी है। अगर आज मैं उसे नहीं बचा पाया तो जिंदगी में अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आप लोग खड़े हो जाइए। सुनो भाई साहब, क्या साहिबा को अंदर ले जाओ।
We've tried everything possible, Garhiwal sahab. Yet there is no sign of any improvement. कुछ कहा नहीं जा सकता. Let's hope for the best. याद है तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे बगैर नहीं जी सकती. याद है ना? और आज तुम ही मुझे छोड़ के जाना चाहती हो. नहीं, ऐसे नहीं. और इस तरह साहिबा, अगर तुम मुझे छोड़ के चली गई तो मैं अकेला हो जाऊंगा. साहिबा, मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा. साहिबा, बच्चों का प्रेम मैं नहीं पढ़ पाया. पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोए. ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए. ड्राइवर गाड़ी निकालो. घबरानी मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा. लड़की होगी, लड़की. संभाल के.